मत बड़ी चक्कर बेटा, हमें तो पता है हमारे बाल ऐसे थोड़े ना सफेद हुए, हमने तो ओरिफ्लेम करी थी, हमने तो एमवे करा था, जितने वो उतनी बातें। मेरे भाई ने मेरे को चाटा मारा कि हमारे घर की लड़कियां घर घर जाके साबुन तेल नहीं बेचती, मतलब इतने सारे रिजेक्शन, इतनी सारी नेगेटिविटी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कुछ तो माँ बाप के लिए करना था। ऐसी मीटिंग ट्रेनिंग्स में आकर जब चेक शुरू में छोटे छोटे आते हैं ना, और फिर लोगों से इतनी बातें सुनने को मिलती है, तो मन करता है ना छोड़ दो। मेरा भी करता था, क्योंकि इनकम कम आती थी, रोती थी अपना इनके सामने जाके कि सर ये तो हर कोई मेरे को बच्चा समझ के भगा ही देता है। उन्होंने बोला पहले तो ये बोलना बंद कर कि तेरे को सब बच्चा समझते हैं, क्योंकि जो तू सीक्रेट में डालेगी ना, जो बोलोगे ना वही होगा तुम्हारी लाइफ में। तू बोलेगी मेरे को बच्चा समझते हैं तो बच्चा ही समझेंगे, बोल मेरे को सब लीडर समझते हैं। तो मैंने ऐसा बोलना चालू करा, बल्कि समझते नहीं थे तब भी बोल दिया, तब भी बोलना चालू किया। और जब बोलना चालू हुआ ना, तो धीरे धीरे काम अपने आप ग्रोथ पकड़ने लगा। फिर पता लगा कि यहाँ पे ना डेमो किट बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले मैं बस ना बोलती रहती थी, डेमो नहीं दिखाती थी। डेमो बोलते ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने क्या किया, लोगों से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर उसके बाद मैंने बात करना चालू करी। 10 में से 8 लोग पॉजिटिव होने लगे। कुछ लोग ऐसे होते ना, मुंह पे बोलते नहीं हमें नहीं देखना, हमें नहीं सुनना। मैंने पता क्या बोलना, मेरे को सर ने सिखाया था, बोले कि बोलो अच्छा मत करना आप बिजनेस, मेरी बात को सुन लो, 15 मिनट दे दो मेरे को, आप मत करना, आपको कोई करने को बोल नहीं रहा। लेकिन 15 मिनट में जब वो डेमो देख लेते थे, आधार कार्ड भी आ जाता था और प्रोडक्ट का ऑर्डर भी आ जाता था। लेकिन हम वहीं पे रुक जाते हैं, उसने ना कर दिया हम घर आ गए। सुनाओ उसे मार्केटिंग वाला कौन है जो अपनी बात रखे उसके आगे, वो ना भी कर रहा है तो भी बोलो चल ना करियो, तू मत करियो, 15 मिनट मेरी बात तो सुन ले। अब 15 मिनट यही मैंने बोल के लोगों से बात करना स्टार्ट करी, और 15 मिनट में तो उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं बोलूं ही ऐसा चपड़ 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 की उनको फुर्सत ही ना मिले, बोले तू आधार कार्ड ही ले जाए काम पे। तो ऐसे करके क्या हुआ कि बिजनेस बड़ा होना चालू हुआ। मीटिंग्स करती रही, होम मीटिंग्स मैंने बहुत सारी करी, बहुत सारी चीजें और करी। आज मैं आपको बताऊंगी भी कि मेन मैंने और क्या किया जिससे बिजनेस बड़ा, और आप लोग क्या कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही चीजें करी, सिस्टम में कनेक्टेड रही, जैसे उन्होंने बताया मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को कभी नहीं छोड़ा। बलदेव भाई अभी बता रहे थे मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में हमेशा, चाहे मेरे घर में कोई बड़ा फंक्शन भी हो ना, मैं उसको छोड़ के भी ना मीटिंग में आके बैठ जाती थी सेमिनार के अंदर, क्योंकि मेरे को पता था कि ये सेमिनार है ना, यहाँ भी मेरे बहुत से रिश्तेदार बैठे हैं जिनकी जिंदगियों को अभी बदलना है। तो मैंने मेरे किसी अपने भाई के एंगेजमेंट में ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सेमिनार है उसमें मेरे इतने सारे लीडर्स बैठे हैं, उनमें ना आने में मेरा बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे को ही लगता था कि सेमिनार ही प्रायोरिटी है, तो मैंने सेमिनार्स ट्रेनिंग्स मीटिंग्स कहीं नहीं छोड़ी। अगर पानीपत भी जाना होता था तो वो भी जाकर अटेंड करी। और दोस्तों वो करते कराते क्या हुआ कि बिजनेस बढ़ना चालू हुआ। 1647 रुपए की इनकम से स्टार्ट किया था आज से 8 साल पहले, 31 दिसंबर को मोदी केयर में 8 साल कम्प्लीट हो जाएंगे। 31 दिसंबर 2012 में मेरी ज्वाइनिंग लगी थी मोदी केयर में, और अब मेरे को उसमें 8 साल कम्प्लीट हो जाएंगे। दोस्तों 1647 रुपए की इनकम आज 13,85,300 रुपए में कन्वर्ट हो चुकी है। अचीव कर चुकी हूँ 11 लाख की ब्रेजा, जो मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी, और माता रानी का जागरण कराया था क्योंकि गोल में अपने डाल दिया था। और दोस्तों साथ ही साथ एक छोटी सी कार जो नीचे खड़ी हुई है, वो स्कूल के पास दूर खड़ी करी है, यहाँ पार्किंग की जगह नहीं थी, 50 लाख की ब्लैक कलर की जैगुआर अचीव कर चुकी है मोदी के। और बताना चाहूंगी दोस्तों की यहाँ से 9 विदेश यात्राएं लेकर आई हूँ। अभी 26 साल की उम्र है और मेरा एक पूरा पासपोर्ट पे गवर्नमेंट ने कैंसल्ड का स्टैंप लगा दिया है, क्योंकि वो भर चुका है, और 60 पेज का मोटा वाला पासपोर्ट बनाया है, क्योंकि अब सामने इकट्ठे तो कोरोना के बाद जाना ही है।